दोस्तों आजकल के टाइम में हमें वाईफाई ब्रॉडबैंड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। अगर आप भी कोई ऐसा वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्च कर रहे हैं फाइबर में जो बहुत ही किफायती हो और आपको नेट बहुत ही स्पीड में मिले, तो मैं दो कंपनियों के प्लान ऐसा लेकर आया हूँ जो आपको शायद पसंद आ जाएंगे, और वो दो कंपनियां हैं जियो और एयरटेल। जियो एयरटेल बहुत बड़ी कंपनियां हैं, दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और बड़ी कंपनी होने के साथ साथ इनके जो प्लान है बहुत ही किफायती हैं और डाटा भी दे रहे हैं अनलिमिटेड, साथ में कॉलिंग दे रहे हैं, साथ में राउटर इंस्टॉलेशन फ्री दे रहे हैं। तो सारे प्लान इसके क्या है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अरशद अहमद खान, आप देख रहे हैं खान टॉक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जियो की बात कर लेता हूँ। इसका स्टार्टिंग प्लान जो है बहुत ही किफायती है दोस्तों, 399 में आपको 30 Mbps की स्पीड मिलने वाली है, अनलिमिटेड डाटा मिलने वाला है, साथ में कॉलिंग मिलने वाली है, लैंडलाइन आपको मिलेगा और वाईफाई राउटर भी आपको मिलेगा। आपको देना होगा सिर्फ सिक्योरिटी का 1500 रुपए, यानी सिक्योरिटी आप जो देंगे वो रिफंडेबल होगी, आपको कुछ टाइम बाद सिक्योरिटी जो है वापस कर दी जाएगी दोस्तों। ऐसी तरह एक प्लान है 699 का, 699 में आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, साथ में अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, लैंडलाइन मिलेगा और साथ में आपको राउटर भी मिलेगा। इंस्टॉलेशन भी इसकी फ्री है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जो जाएगी 1500 रुपए पे जाएगी, जो रिफंडेबल होगी, जो आप पे करेंगे 1500 रुपए वो रिफंड हो कर दिए जाएंगे दोस्तों। इस दोनों प्लानों में 4K सेटअप बॉक्स आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सेटअप बॉक्स चाहिए तो उसका एक और प्लान है, उसकी सिक्योरिटी जो होगी 2500 रुपए की, यानी 2500 रुपए सिक्योरिटी ली जाएगी जो बहुत ही जल्द आपको वापस कर दी जाएगी। तो 999 का ये प्लान है, 999 में आपको 150 Mbps की स्पीड मिलेगी, जो डाटा मिलेगा अनलिमिटेड मिलेगा आपको, और साथ में कॉलिंग के लिए लैंडलाइन मिलेगा, जो कॉलिंग होगी आपकी अनलिमिटेड होगी। साथ में आपको मिलता है एक 4K बॉक्स जो आपके टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे ऐप आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि 14 ऐप आपको मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट आप देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon और G5 जैसे कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं। काफी अच्छा प्लान है, 999 में आप टीवी भी चला सकते हैं और नेट सर्फिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ 300 Mbps के प्लान की। 300 Mbps का प्लान जो है 1499 में है, 1499 देकर के आप अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाटा भी मिल सकता है। 300 Mbps की स्पीड जो है काफी हैवी होती है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्पीड आपको मिलेगी 300 Mbps। साथ में आपको 4K बॉक्स मिलेगा जो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी में। तो दोस्तों बहुत सारे ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, जैसे G5, नेटफ्लिक्स और Amazon जैसे आप कंटेंट इसमें देख सकते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, एंटरटेनमेंट के साथ आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं। इसमें भी सिक्योरिटी 2500 रुपए जाएगी जो रिफंडेबल होगी दोस्तों। अगर आप और भी ज्यादा जबरदस्त स्पीड चाहते हो तो 500 Mbps का प्लान भी मौजूद है जियो में, जहां 500 Mbps की स्पीड भी आपको मिलने वाली है। 2499 रुपए आपको देने पड़ेंगे, प्लस टैक्स होगा। जितने भी मैं प्लान बता रहा हूँ प्लस टैक्स जरूर होगा दोस्तों, इसमें 18% टैक्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के प्लान का जो रेट है आप निकाल सकते हो। तो 2499 रुपए प्लस टैक्स के साथ आपको ये प्लान मिलने वाला है, 500 Mbps की जबरदस्त स्पीड मिलने वाली है आपको, साथ में अनलिमिटेड डाटा मिलने वाला है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है, 4K बॉक्स भी आपको इसमें मिलता है और 14 ऐप भी आपको चलाने को मिलेंगे जैसे मैंने पिछला प्लान में बताया। तो दोस्तों ये भी प्लान बहुत जबरदस्त है, आप लेना चाहते हैं 500 Mbps की स्पीड चलाना चाहते हैं तो स्पीड का मजा ले सकते हैं दोस्तों इस प्लान में। तो दोस्तों अब जबरदस्त प्लान की मैं बात करने जा रहा हूँ। जबरदस्त प्लान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 Gbps की स्पीड आपको इस प्लान में मिलने वाली है सिर्फ 3999 में। अगर आपको 1 Gbps की स्पीड चाहिए तो 3999 पे कर सकते हैं आप और 1 Gbps की स्पीड ले सकते हैं। इसमें भी जो है सिक्योरिटी जाएगी 2500 रुपए, आपको 4K बॉक्स मिलेगा, आपको 15 ऐप मिलेंगे जैसे मैंने पहले ही बताया, G5 और वगैरह वगैरह सब्सक्रिप्शन आपको 15 ऐप का मिलेगा। साथ में आपको अनलिमिटेड मिलेगी स्पीड के साथ 1 Gbps का डाटा अनलिमिटेड मिलेगा, आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। तो बहुत ही गजब का प्लान है ये 3999 में, जो अगर आप 1 Gbps की स्पीड लेना चाहते हैं तो ये प्लान ले सकते हैं। बाकी सारे प्लान भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपने बजट के हिसाब से प्लान ले सकते हैं, जो बजट है आपका वो प्लान आप जियो में ले सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं एयरटेल ब्रॉडबैंड की। एयरटेल ब्रॉडबैंड भी बहुत ही फास्ट इंटरनेट देता है दोस्तों। इसका जो प्लान है स्टार्टिंग वो है 499 रुपए से शुरू। जी हाँ, 499 रुपए से शुरू है, जिसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिलने वाली है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है। इसमें भी इंस्टॉलेशन फ्री है, 3 महीने का आपको रिचार्ज का एडवांस देना पड़ेगा तो इंस्टॉलेशन फ्री हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों 799 का प्लान आपको बता दूं, 799 के प्लान में 100 Mbps की स्पीड आपको मिलने वाली है, साथ में अनलिमिटेड डाटा मिलने वाला है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त ये प्लान है। 499 और 799 दोनों प्लानों में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, यानी कि आपके घर जो लगेगा लैंडलाइन लगेगा और साथ जो राउटर होगा वो भी आपको मिलता है। इंस्टॉलेशन दोनों में फ्री है दोस्तों, बस आपको रिचार्ज करवाना है 2-3 महीने का, तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगी आपको
कॉलिंग भी मिलेगी, बहुत बेनिफिट है इन दोनों प्लानों में। मैं आपको बता दूं, इन दोनों प्लानों में जो है टीवी आप नहीं चला सकते हैं, सिर्फ वाईफाई सर्फिंग कर सकते हैं। और जो आप सेटअप बॉक्स लेते हैं एयरटेल का सेटअप बॉक्स आप दोनों चलाना चाहते हैं और साथ में डाटा भी चलाना चाहते हैं तो 999 का प्लान ले सकते हैं। 999 में जो है स्पीड मिलती है आपको 200 Mbps। जी हाँ दोस्तों, 200 Mbps की स्पीड आपको मिलती है। साथ में आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, 3-4 OTT प्लेटफॉर्म आपको इसमें मिल जाएंगे, साथ में आप टीवी भी चला सकते हैं, तो बेनिफिट अच्छा है। 999 में आपको डबल बेनिफिट है दोस्तों, इस प्लान में आप टीवी भी चला सकते हैं और नेट सर्फिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का प्लान है ये, आप ले सकते हैं। दोस्तों जितने भी प्लान मैं बता रहा हूँ एयरटेल और जियो में, आपको GST 18% पे करना होगा आपको, जो मैं प्राइस बता रहा हूँ उससे अलग, यानी कि प्लस 18% GST के मिला करके जो प्राइस बनता है वो आप काउंट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं बताना चाहता हूँ एयरटेल का आपको 1499 का प्लान, जिसमें आपको 300 Mbps का अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, 300 Mbps स्पीड मिलेगी आप, साथ में आप सेटअप बॉक्स भी चला सकते हैं, आपको बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा इसमें, फॉर्म का बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है 1499 में। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो 300 Mbps का प्लान ये ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ एयरटेल के VIP प्लान के बारे में। VIP का प्लान है 3999 का प्लस GST, इसमें आपको 1 Gbps की स्पीड मिलने वाली है, अनलिमिटेड डाटा मिलने वाला है दोस्तों, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली, साथ में इसमें सेटअप बॉक्स भी आप चला सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आप देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक वगैरह बहुत सारी चीज आपको इस प्लान में मिलने वाली है, स्पीड भी मिलने वाली है दोस्तों। तो अच्छा प्लान है अगर आप जबरदस्त स्पीड चाहते हैं, अपलोडिंग ज्यादा करना चाहते हैं, डाउनलोडिंग ज्यादा करते हैं, ज्यादा डाटा का यूज करते हैं आप, तो 1 Gbps का प्लान ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्लान है 3999 प्लस GST। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ जियो एयरटेल की, यानी जियो एयरटेल के प्लान में क्या क्या डिफरेंट है। इसमें अगर जियो में देखें तो हम 999 में आपको 150 यानी 150 Mbps की स्पीड मिलती है, वहीं 999 में आप एयरटेल में देखिए 200 Mbps की स्पीड मिलती है, तो स्पीड में भी काफ़ी फर्क है। जियो में हम देखें तो बहुत सारे 14-15 आपको OTT प्लेटफॉर्म ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, लेकिन एयरटेल में देखें तो सिर्फ 3-4 प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। वहीं एयरटेल में अगर आप 500 Mbps के प्लान देखें तो 500 Mbps का प्लान आपको नहीं मिलता, जो 2500 रुपये की रेंज में आपको मिलता है जियो में। तो दोस्तों दोनों कंपनियां जबरदस्त है, दोनों कंपनियां नेट जो देती हैं, प्लान जो दे रही हैं अच्छे दे रही हैं, आपके बजट के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। और सबसे पहले चेक कीजिए दोस्तों आपके एरिया में कौन सी कंपनी जो है बेस्ट सर्विस देती है, जो आपके एरिया में बेस्ट सर्विस दे आप वही प्लान ले लीजिए। अगर आपके एरिया में जियो अच्छी सर्विस देती है तो जियो का ले लीजिए, अगर आपके एरिया में एयरटेल अच्छी सर्विस देती है तो एयरटेल का ले लीजिए। तो दोस्तों आप चेक करके लीजिए प्लान भी और सर्विस भी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने हर वीडियो में दे रखा है, आप वहां जाकर कोई मैसेज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकते हैं, कोई पूछना हो कोई सवाल तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।